जब कोई भी सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है और बिना उसका रिजल्ट सोचे समझे कोई फैसला ले लेती है तो उसके परिणाम आते ज़रूर हैं, चाहे 1 साल बाद आए चाहे 2 साल बाद। एक वक्त इंदिरा गांधी ने बिना सोचे समझे इमरजेंसी लगाई थी और अब 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी। हालांकि अब तक भाजपा की तरफ से नोटबंदी को सफल बताया जा रहा है और कहा जाता है कि नोटबंदी तो काफ़ी सफल थी, लेकिन अब जब नोटबंदी का रिजल्ट आने लगा है तो इस पर बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से बचते हैं। अब एक खबर आई है कि इंडिया में टोटल 2,40,000 के करीब ATM हैं। 121 करोड़ लोगों पर 2,40,000 ATM है सिर्फ, पहले तो ये हंसने वाली बात है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि इनमें से 1,15,000 मार्च 2019 तक बंद हो जाएंगे या फिर बंद हो सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, अगर 2,40,000 में से लगभग आधे 1,20,000 ATM बंद हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 1,20,000। और पहले ही इंडिया में बहुत सारे ATM थे कि अब बहुत सारे बचेंगे। और इनके बंद होने का मेन कारण जो बताया जा रहा है वो है नोटबंदी। दरअसल में कारण जो है वो तो अलग है, लेकिन वो जो कारण क्रिएट हुए हैं यानी कि वो जो इन ATMs के बंद होने के कारण बने हैं वो नोटबंदी ही है। इसमें लगभग 1,00,000 ATM ऐसे हैं जो कि नोटबंदी के बाद ATMs के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे वो उनको फॉलो नहीं कर पा रहे, और 15,000 ATM भी उनमें से दूसरी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एक बात तो साफ है, जब 1,20,000 ATM बंद होंगे तो अगर एक ATM पर ऐसा मान लिया जाए कि 2 शिफ्टों में 2 गार्ड काम करते हैं तो 2,40,000 नौकरियां जाएंगी। वो जिन जगहों में से बंद होंगे उन लोगों को जो महीने का फिक्स किराया मिलता था उनका भी एक तरह से रोज़गार ही जाएगा। तो नोटबंदी जिसके बारे में कहा जा रहा था 2016 में ही कि रोज़गार की कमर तोड़ देगा, वो रोज़गार की अब तक कमर तोड़ रहा है। अब 2018 में लगभग 1,20,000 ATM बंद होने के कारण लगभग 2,40,000 सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी जाएगी, और वहीं 1,20,000 उन लोगों की भी इनकम जाएगी जिन लोगों की जगह में ये ATM लगे हुए थे, यानी कि एक ही साथ 3,60,000 लोगों को ये इम्पैक्ट करेगा। एक तो देश में बेरोजगारी वैसे ही बहुत है और एक बार में ही सरकार का कोई फैसला 3,60,000 लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। आप इसके जान सकते हैं इसके बाद लोगों में कैसी हाहाकारी मचेगी। हम तो यही चाहते हैं कि ये ATM बंद ना हो, क्योंकि लोगों को भी फ़ायदा है और रोज़गार भी दे रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के फैसले तानाशाही रवैये से इसका कोई नुकसान हुआ है तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या नोटबंदी करना ज़रूरी था। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, अब सरकार को इन सभी लोगों के रोज़गार की जिम्मेदारी तो कम से कम लेनी ही चाहिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती। कोई भी अच्छा काम होता है सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे पहले आती है। कोई भी ब्लंडर होता है सरकार उसको भी अच्छा बता के अपने कदम पीछे खींच लेती है उसकी जिम्मेदारी लेने से। और यही कारण है कि भारत बार बार तरक्की करता हुआ रुक जाता है। सरकार के कई फैसले ऐसे होते हैं जो भारत को तरक्की करने से रोक देते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। सरकारें अपनी मनमानी करती हैं, सरकारें अपनी सत्ता के नशे में चूर रहती हैं और उनको किसी के भी परेशानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारें सिर्फ वही काम करती हैं जो उनको चुनाव में फ़ायदा दे, और अगर उनसे कोई ऐसा काम हो जाता है जो उनको चुनाव में नुकसान दे तो वो उसको बड़ी आसानी से भूल जाती हैं और उसके बारे में कभी बात नहीं करती। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।